अस्सलाम वालेकुम, चैनल खाना पकाने में खुश आमदीद। आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो है आलू मेथी की सब्ज़ी। सर्दियों वाली सब्ज़ी है ये, फ्रेश मेथी आती है इस सीज़न में और बहुत खुशबूदार ये सब्ज़ी बनती है। आलू मेथी की बहुत आसान सी सब्ज़ी है और बहुत आसानी से बन जाती है, लेकिन खाने में बहुत ही लजीज होती है। तो चले आएँ, शुरू करते हैं। मेथी और आलू, मेथी को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, आलू को भी क्यूब्स में काट लिए हैं और प्याज को भी, लहसुन को चॉप कर लिए हैं और 4 से 5 मैंने गोल साबित यानी लाल मिर्च हैं वो ले लिए। हल्दी पाउडर है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें मिर्च पाउडर लिया है, लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून साबित ज़ीरा लिया है मैंने और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च लिया है मैंने। अब चलते हैं इसे बनाने की तरफ, तो चले आए स्टार्ट करते हैं। पैन में मैंने इसके लिए, सब्ज़ी बनाने के लिए पैन में मैंने ऑयल को गरम कर लिया है, फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और इसमें अब मैं ये जो मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन को चॉप कर लिया था, फ्रेश लहसुन का बहुत मज़ा आएगा। फ्रेश लहसुन को चॉप कर लें ये इस तरह से और फिर आप फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम पे कर दें ताकि लहसुन अच्छी तरह से पक जाए। इतनी अच्छी सी खुशबू आने लगती है लहसुन की, देखें लहसुन का जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज हो वैसे ही मैं इसमें ज़ीरा और ये साबित लाल मिर्च डाल दूँगी। ठीक है, ज़ीरा और साबित लाल मिर्च को भी पका लेना है इसमें और इसमें से भी जब खुशबू आने लग जाए तो फिर इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी, जो मैंने प्याज को काट लिए हैं तकरीबन 1 थोड़ी बड़ी प्याज थी इसको मैंने काट लिया है। इस तरह से इसको फ्लेम को मीडियम रखकर इसे चला लेंगे और इतना इसको पकाना है कि बस प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। ये देखें प्याज का कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है बल्कि ये सिर्फ सॉफ्ट है। यहाँ पर मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी के साथ और साथ ही मैं इसमें मसाले भी ऐड कर दूंगी। मसालों को ऐड करने से पहले इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो पानी में मिक्स हो जाए और जलने ना पाए। मसाले को, खुश्क मसाले को मैंने पानी में एक पेस्ट सा बना लिया है और अब मैं इसमें इसको ऐड करूंगी। ये देखें नमक इसमें मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दिया था मसालों के साथ। और अब मैं इसे कवर कर दूंगी थोड़ा सा मसाले को पकने के लिए, थोड़े से फ्लेम को लो करूंगी और इसे मैं कवर कर दूंगी। मसाला हमारा तकरीबन हो चुका है, अब मैं इसमें मेथी ऐड करूंगी थोड़ी थोड़ी सी। ये इस तरह से मेथी को इसमें ऐड कर लूँगी, फ्लेम को थोड़ा सा लो कर लेते हैं। और इसमें ये मेथी और आलू ये दोनों ही मैं ऐड कर रही हूँ और मसाले के साथ इसको मिक्स कर लूँगी मैं।
अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। देख लें इसे कितनी अच्छी तरह से मिक्स कर दें मसाले में, कितना अच्छा सा कलर आ रहा है इसका। और इसे ऐसे ही मैं कवर कर दूंगी और फ्लेम को लो करूंगी ताकि ये अच्छी तरह से आलू भी गल जाए। और मेथी को थोड़ा गलने में टाइम लगता है, पकने में इसको थोड़ा टाइम चाहिए, तो इसलिए मैं इसे कवर करूंगी और इसे लो फ्लेम पर यहाँ पर छोड़ दूंगी पकने के लिए। अब इस कवर हटाएंगे और इसमें मैंने ये भूनने के बाद इसमें मैंने हाफ कप जो है वो पानी ऐड किया था, क्योंकि मेथी जो साग है उसमें पानी इतना वहाँ से नहीं निकलता उस साग से, तो मैं इसी वजह से इसमें मैंने आधा कप पानी ऐड किया था। और इसके बाद मैं इसमें सोया और हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड करूँगी और फिर इसे चला लूँगी। ये देख कितनी अच्छी सी खुशबू आ रही है, बिल्कुल जैसे मौसम के हिसाब से, जैसे जो मौसम है उस तरह से उसी की खुशबू एक तरह से इसमें महसूस हो रही है, क्योंकि ऐसे मौके पर इस सीज़न में हर तरफ जो है वो इसी तरह की डिशेस बन रही होती हैं जो कि बहुत मज़ेदार लगती हैं। वैसे इसे उबले हुए चावलों के साथ भी खाते हैं, खा लेते हैं, मज़ा आता है, और रोटी के साथ तो चपाती के साथ तो खाते ही हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ करूँगी और इसे दो तीन मिनट के लिए कवर करूँगी। ये देखिए सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है। इसको मैंने थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ किया और इसे अब मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से गला लिया है मेथी को, गलने से ही मज़ा आता है क्योंकि इस साग को थोड़ा टाइम लगता है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। ये थी हमारी आज की रेसिपी, मेथी आलू की सब्ज़ी। बनाएं घर पे और इंजॉय भी करें, और कमेंट में बताएं भी कि ये सब्ज़ी आपको कैसी लगी, बहुत मज़ेदार सी सब्ज़ी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही सब्ज़ी रेसिपी और सीज़न की रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।